पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन और उसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन हुआ था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं चार्ज की यूनिट से। कल हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि आवेश किसी भी वस्तु का वह मूल गुण होता है जिसकी वजह से उसमें विद्युत और चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होते हैं या जिसके कारण विद्युत और चुंबक के प्रभाव को कोई वस्तु महसूस कर सकता है। तो चार्ज की यूनिट की बात करते हैं। उससे पहले फार्मूले Q इक्वल होता है एन ई, जहाँ पर एन आपका होता है किसी भी परमाणु पर अधिक हुए या कम हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वृद्धि या कमी होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E होता है मूल आवेश और इसका मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। एक दूसरा फार्मूला हो जाता है Q इक्वल IT, जहां I इलेक्ट्रिक करंट और T टाइम हो जाता, समय हो जाता है। इसका विमीय सूत्र Q की विमा I इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसके विमीय सूत्र को हम A से डिनोट करते हैं और टाइम समय यह भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसके विमीय सूत्र को हम T से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार Q की जो विमा होती है वो AT हो जाती है। अब बात करते हैं चार्ज के यूनिट्स के बारे में। चार्ज के यूनिट्स के बारे में तो SI सिस्टम में चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम। CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है स्टेट कूलॉम, या इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। चार्ज के बारे में जो गहन अध्ययन किया गया था और उसके बारे में धनावेश ऋणावेश के प्रकारों के बारे में जो बताया गया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया था, इसलिए उन्हीं के सम्मान में सीरियस सिस्टम में इसकी यूनिट को फ्रैंकलिन नाम दे दिया गया है। एक दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये तीनों यूनिट एक दूसरे के समान होते हैं। अब इन तीनों का रिलेशन कूलाम से किस प्रकार होता है? एक कूलाम वो 3×10⁹ स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या ESU के इक्वल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वैद्युत स्थैतिक मात्रक को इन शॉर्ट ESU भी बोलते हैं। एक अन्य मात्रक होता है दूसरा, जिसको बोलते हैं EMU, वैद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब कूलाम। इसका कूलाम से जो रिलेशन होता है वो एक कूलाम इक्वल 1/10 EMU के इक्वल होता है। तो ये हो गए चार्ज की यूनिट्स के बारे में। अब देखते हैं चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं।
चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि दो चार्ज के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। दो चार्ज हमेशा एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं जिन्हें विद्युत बल कहते हैं, और इसका नेचर दो प्रकार का होता है, एक अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एक रिपल्सिव नेचर का होता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर सेम नेचर के चार्ज को कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा, पास पास रखा जाएगा, तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। अपोजिट नेचर मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तब उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी दो आवेशों के बीच में विद्युत बल कार्य करता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल बोलते हैं, वैद्युत। और इसका नेचर दो टाइप का होता है, एक होता है आकर्षण बल और एक होता है प्रतिकर्षण बल। अट्रैक्टिव नेचर का हो गया और ये रिपल्सिव नेचर का हो गया। तो अगर आवेश की प्रकृति विपरीत होगी, जिन दो आवेशों के बीच बल लग रहा है उनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है, तब उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और अगर आवेश की प्रकृति समान होती है, मीन पॉजिटिव पॉजिटिव हो, निगेटिव निगेटिव हो, तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब आवेश की प्रकृति समान हो तब उनके बीच कार्य करने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, आवेश के मान पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश के मान पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स अगर समझो कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर हमको पता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम का चार्ज है, तो उसको चाहे जितनी स्पीड से मोशन में लाया जाए उसके इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि किसी भी वस्तु या किसी भी परमाणु पर आवेश के मान में परिवर्तन होने पर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। मीन्स आवेश का परिवर्तन सनहत परिवर्तन के साथ साथ होता रहता है। चार्ज में अगर चेंज हो रहा है तो उसके मास में भी चेंज होगा। उसका रीजन हमने पहले ही बताया पहले वीडियो में कि चार्ज बेसिकली जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। एक एटम का ट्रांसफर जब दूसरे एटम में जाता है तो दोनों में चार्ज जनरेट होता है, जिससे जाता है उसमें पॉजिटिव आएगा, जिसमें जाएगा उसमें निगेटिव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, चाहे बहुत कम हो लेकिन मास है, तो इसका मतलब उसमें से मास ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज ट्रांसफर होगा, मतलब चार्ज अगर उत्पन्न होगा या चार्ज की वैल्यू में चेंज होगा, तो समझो उस बॉडी पर मास में भी चेंज हो रहा है। आवेश परिवर्तन के साथ साथ द्रव्यमान परिवर्तन भी होता है वस्तु में। अगली प्रॉपर्टी होती है कि आवेश जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आवेश जो होता है अदिश राशि होती है। अब किसी भी अगर दो या दो से अधिक अदिश राशियों को जोड़ना होता है तो उसके लिए हम जो भी राशि है उसका जो साइन लगा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव लेके सीधे अलजेब्रिक मेथड से जोड़ देते हैं। लेकिन अगर सदिश राशियां होती हैं तो उनको हमको ऐड करने का तरीका अलग होता है, उसके लिए वेक्टर सम का तरीका अपनाना पड़ता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई सिस्टम है हमारा, इसमें एक से ज़्यादा चार्ज है, एक हो गया 5 कूलाम का, 2 कूलाम का, एक हो गया -3 कूलाम का चार्ज। अब बोले कि इस सिस्टम का बताओ पूरा चार्ज कितना है, तो उसके लिए करना कुछ हमको कुछ नहीं है, वेक्टर रूल हमको नहीं लगाना है, बस जो भी चार्ज है उसके साइन को पकड़ो और सीधे अलजेब्रिक मेथड से जोड़ दो। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 5 + 2 - 3 - 7 - 3 हो गया, तो वहाँ 4 कूलाम का चार्ज पूरे सिस्टम में, वहाँ 4 कूलाम का चार्ज है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश जो होता है निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है
वो होता है आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण। इसको पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ते हैं, मूल आवेश, मूल आवेश। तो साइंटिस्टों के स्टडीज के आधार पर अभी तक ये पाया गया था कि ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा आवेश है, उससे छोटा आवेश नहीं मिला है, वो हमारा निकल के आया था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और इसी को मूल आवेश बोला जाने लगा, फंडामेंटल चार्ज। और इसका मान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के मान के बराबर होता है। बस इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस दोनों का मान मूल आवेश के मान के बराबर होता है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक इससे भी छोटा चार्ज वाला पार्टिकल ढूंढ के निकाला था, जिसे बोलते हैं क्वार्क। क्वार्क, और इस मूल आवेश को हम ई से डिनोट करते हैं, जो वहाँ पे क्यू बराबर एन ई मिला था। हमने बताया था कि ई का मान जो होता है मूल आवेश का, उसको इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं बोलते, उसको मूल आवेश बोलते हैं। अब मूल आवेश का मान चूंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर होता है, तो नॉर्मल लोग इलेक्ट्रॉन का ही आवेश बोल देते हैं, लेकिन रियल में वो मूल आवेश की वैल्यू होती है, फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है। तो रिसेंटली कुछ पता चला है इससे भी कम आवेश के बारे में, उस पार्टिकल का नाम दिया गया है क्वार्क। अब इस क्वार्क में भी देखा गया है कि दो टाइप के क्वार्क पाए गए हैं, एक जिस पे ±1/3 e के इक्वल चार्ज है, दूसरा ±2/3 e के इक्वल चार्ज है। मींस एक पर मूल आवेश का 1/3 कम और एक पर 2/3 आवेश है। इसको अप क्वार्क बोलते हैं, इसको डाउन क्वार्क बोलते हैं। आते अपनी प्रॉपर्टी पे, तो हम बात कर रहे थे आवेशों का क्वांटीकरण। तो क्वांटाइजेशन मींस होता है कि कोई फिक्स वैल्यू मिल जाए हमको, या क्वांटा मींस होता है पैकेट। क्वांटा मींस यहां से समझो एक फिक्स नंबर मिलना चाहिए, फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड वैल्यू, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक पैकेट। आवेशों का क्वांटीकरण मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा देखा गया है कि मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन मूल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर है। हमको पता है आवेश उत्पन्न जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन को मूल कण माना गया है कि उसको उससे ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी वस्तु पर अगर आवेश उत्पन्न करना है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो जाएगा, या उसमें से एक निकलेगा, दो निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा नहीं होगा। जाएगा तो पूरा जाएगा, तो आएगा तो पूरा आएगा। तो चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, और ये देखा गया है। तो आवेशों का क्वांटीकरण मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इस वैल्यू मीन्स मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और इसी से ये फार्मूला मिलकर तैयार हुआ था ±ne, जहाँ पे E तुम्हारा था मूल आवेश और N था तुम्हारा स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाती हैं चार्ज के बारे में। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम। जिन्होंने चार्ज की हिस्ट्री के बारे में जब पढ़े थे, तुमको ये पता चल गया था कि चार्ज के बीच में विद्युत बल लगता है, लेकिन कितना लगता है ये नहीं पता चला था, उसको हमको कूलाम ने बताया था। तो उस अगले वीडियो में उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।